कृपा करें नमस्कार विकसित राज्य से विकसित भारत अभियान आज हम मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ रहे हैं लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है मेरी संवेदनाएं उनके साथ है जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है दुख की इस घड़ी में मैं मध्य प्रदेश के लोगों के साथ हूँ साथियों इस समय एमपी की हर लोकसभा विधानसभा सीट पर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों ने ऐसे ही विकसित होने का संकल्प लिया है क्योंकि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे आज इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं साथियों कल से ही एमपी में नौ दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है ऐसा नहीं है ये उस काल चक्र भी की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा साथियों आज MP की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग सत्रह हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं हैं इनमें बिजली सड़क रेल खेल परिसर सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई साथियों आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है अब की बार 400 पार अब की बार 400 पार पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है लेकिन साथियों हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बने का सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है ऐसा नहीं है हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है यही हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं बीते दो दशक से निरंतर आप हमें अवसर दे रहे हैं आज भी विकास के लिए कितनी उमंग कितना उत्साह है ये आपने नई सरकार के बीते कुछ कुछ महीनों में देखा है और अभी मैं मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कार्यक्रम हो और पंद्रह लाख से ज्यादा लोग जुड़े हो दो सौ से अधिक स्थानों पर जुड़े हो ये घटना सामान्य नहीं है और मैं मेरी आंखों से यहां सामने देख रहा हूं टीवी पे कितना उत्साह है कितना उमंग है कितना जोश दिखाई दे रहा है मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश के भाइयों के इस प्यार को नमन करता हूं आपके इस आशीर्वाद को प्रणाम करता हूं साथियों विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती उद्योग और टूरिज्म इन तीनों पर बहुत बल दे रही है आज मां नर्मदा वहां पर बन रही तीन जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है भाजपा सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश में लगभग 40 लाख हेक्टर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था लेकिन बीते 10 वर्ष के हमारे सेवा काल में इसका दो गुना यानी लगभग 90 लाख हेक्टर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानी गति भी प्रगति भी साथियों छोटे किसानों की एक और बड़ी परेशानी गोदाम की कमी की रही है इसके कारण छोटे किसानों को औने पौने दाम पर अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती थी अब हम भंडारण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं आने वाले वर्षों में देश में हजारों की संख्या में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे इससे 700 लाख मैट्रिक टन अनाज के भंडारण की व्यवस्था देश में बनेगी इस पर सरकार सवा लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने जा रही हैं साथियों हमारी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत बल दे रही है इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है अभी तक हम दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता के लाभ देख रहे हैं भाजपा सरकार अनाज फल सब्जी मछली ऐसे हर सेक्टर में सहकारिता पर बल दे रही हैं इसके लिए लाखों गांवों में सहकारी समितियों का सहकारी संस्थानों का गठन किया जा रहा है कोशिश यही है कि खेती हो पशुपालन हो मधुमक्खी पालन हो मुर्गी पालन हो मछली पालन हो हर प्रकार से गांव की आय बढ़े साथियों गांव के विकास में अतीत में एक और बहुत बड़ी समस्या रही है गांव की जमीन हो गांव की प्रॉपर्टी हो उसको लेकर अनेक विवाद रहते थे गांव वालों को जमीन से जुड़े छोटे छोटे काम के लिए तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे अब ऐसी समस्याओं को हमारी डबल इंजन के सरकार पीएम स्वामित्व योजना के जरिए स्थायी समाधान निकाल रही है और मध्य प्रदेश तो स्वामित्व योजना के तहत बहुत अच्छा काम कर रहा है मध्य प्रदेश में शत प्रतिशत गांवों का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है अभी तक 20 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं ये जो गांव के घरों के कानूनी दस्तावेज मिल रहे हैं इससे गरीब कई तरह के विवादों से बचेगा गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही तो मोदी की गारंटी है आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील कार्यक्रम का भी विस्तार किया जा रहा है नामांतरण रजिस्ट्री से जुड़े मामलों का समाधान डिजिटल माध्यम से ही हो जाएगा इससे भी ग्रामीण परिवारों का समय भी बचेगा और खर्च भी बचेगा साथियों मध्य प्रदेश के नौजवान चाहते हैं कि एमपी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बने मैं एमपी के हर नौजवान को विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए अवसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही आपके सपने ही मोदी का संकल्प है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का मेक इन इंडिया का एक मजबूत स्तंभ बनेगा मुरैना के सीतापुर में मेघा लेदर एंड फुटवेयर क्लस्टर इंदौर में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के लिए पार्क मंसूर के इंडस्ट्रियल पार्क का विस्तार धार इंडस्ट्रियल पार्क का नया निर्माण ये सब कुछ इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम है कांग्रेस की सरकारों ने तो मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पारंपरिक ताकत को भी बर्बाद कर दिया था हमारे यहाँ खिलौना बनाने की कितनी बड़ी परंपरा रही है लेकिन स्थिति ये थी कि कुछ साल पहले तक हमारे बाजार और हमारे घर विदेशी खिलौनों से ही भरे पड़े थे हमने देश में खिलौना बनाने वाले अपने पारंपरिक साथियों को विश्वकर्मा परिवारों को मदद दी आज विदेशों से खिलौनों का आयात बहुत कम हो गया है बल्कि जितने खिलौने हम आयात करते थे उससे ज़्यादा खिलौने आज निर्यात कर रहे हैं हमारे बुधनी के खिलौना बनाने वाले साथियों के लिए भी अनेक अवसर बनने वाले हैं आज बुधनी में जिन सुविधाओं पर काम शुरू हुआ है उससे खिलौना निर्माण को बल मिलेगा भाइयों और बहनों जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है देश में ऐसे पारंपरिक काम से जुड़े साथियों की मेहनत का प्रचार करने का जिम्मा भी अब मोदी ने उठा लिया है मैं देश दुनिया में आपकी कला आपके कौशल का प्रचार कर रहा हूं और करता रहूंगा जब मैं विदेशी अतिथियों को कुटीर उद्योग में बने सामान उपहार के रूप में देता हूं, तो आपका भी प्रचार करने का पूरा प्रयास करता हूँ जब मैं लोकल के लिए वोकल होने की बात करता हूँ तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए घर घर एक प्रकार से बात पहुँचाता हूँ साथियों बीते दस वर्षों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत अधिक बढ़ी है आज दुनिया के देश भारत के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं कोई भी भारतीय आज विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश में होता है पर्यटन में होता है आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं भारत आएंगे। तो एमपी आना तो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि एमपी तो अजब है एमपी तो गजब है पिछले कुछ वर्षों में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है ओंकारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य की श्रुति में विकसित किए जा रहे एकात्म धाम के निर्माण में ये संख्या और बढ़ेगी उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ भी होने वाला है इंदौर के इच्छापुर से ओंकारेश्वर तक फोर लेन सड़क के बनने से श्रद्धालुओं को और सुविधा होगी आज जिन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उससे भी मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो खेती हो पर्यटन हो या फिर उद्योग हर किसी को लाभ होता है साथियों बीते दस वर्ष में हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे हैं मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा हर कष्ट को दूर करने का ईमानदार प्रयास करूंगा ये गारंटी मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है लेकिन आने वाले पांच वर्ष हमारी बहनों बेटियों के अभूतपूर्व सशक्तिकरण के होंगे आने वाले पांच वर्षों में हर गांव में अनेक लखपति दीदियाँ बनेगी आने वाले पांच वर्षों में गांव की बहनें नमो ड्रोन दीदियाँ बनकर खेती में नई क्रांति का आधार बनेगी आने वाले पांच वर्षों में बहनों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा हाल में एक रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक बीते दस वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए हैं उससे गांव के गरीब परिवारों की आय तेज़ी से बढ़ रही है रिपोर्ट के मुताबिक शहरों के मुकाबले गांव में आय ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है बीते दस वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं यानी बीजेपी सरकार सही दिशा में काम कर रही है मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश ऐसे ही तेजी से विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करता रहेगा एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज आप इतनी बड़ी तादाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले कार्यक्रम में आए आपने नया इतिहास बना दिया है मैं आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद